नमस्कार, मैं स्निग्धा त्यागी आप सभी का वैशाली टुडे में स्वागत करती हूं। खबर वैशाली जिला के देसरी की है, जहां मवेशी का चारा लाने गए एक पशुपालक की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय फहीमुद्दीन के रूप में हुई है, जो कि एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। मृतक बटाई पर जमीन लेकर कई सालों से खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। ए तोई का एक मोहम्मद फहीमुद्दीन विगत 5-7 वर्षों से गनियारी मौजे में रह करके खेती का कारोबार करते थे, माल जाल का भरण पोषण करते थे, जिससे अपने परिवार को गुजारिश करते थे। आज सुबह सुबह ये गनियारी जो नदी है, गंगा नदी, उससे पार होने जानवर की चारा लाने के क्रम में पार होने में पांव पिछल जाने से गहरे पानी में चल जाने के कारण उनकी डूबकर मृत्यु हो गई है। तो सर, उनका घर तो ही पड़ता है, लेकिन यहाँ खेती जो करते थे, किनके यहाँ रह करके खेती करते थे? ये हमारे जो पूर्वज जो मेरे पिताजी थे, उस समय से मेरे यहाँ तोई के एक दो आदमी बटीदारी खेती लेकर के अपनी यहाँ गेहूँ, आलू, प्याज, परवल, ककड़ी, कदुआ की खेती करते थे। बराबरे खेती करके यहाँ से अपना ले जाते थे और जाकर अपना घर बेचते थे। यह निगत 5 वर्षों से खेती करते हैं, लगातार खेती यहाँ कर रहे हैं। जी हाँ, लगातार 5 वर्षों। माल मवेशी भी वहाँ रखे हुए? माल मवेशी भी है इनका, गाय है, भैंस है, बकरियाँ हैं 2-3, ये रखे हुए हैं।